हम कक्षा 8 में गणित विषय में पाठ 14 गुणनखंड में प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले प्रश्न है सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने हमारे पास बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, उनके सारव गुणनखंड निकालने हैं। सारव गुणनखंड क्या होते हैं? वो गुणनखंड जो सभी बीजीय व्यंजक में उपस्थित हों। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न पहले का पहला भाग है 12x और 36, इनके सारव गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमने। तो पहले हम 12x के गुणनखंड बनाएंगे। तो 12x के गुणनखंड सबसे पहले 12 है जो इसके गुणनखंड करेंगे और x, तो 12 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 4 = 12। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो ये इसके गुणनखंड है और ये x अकेला है तो गुना x कर दिया, तो ये इसके गुणनखंड हो गए 12x के। फिर 36 के गुणनखंड करने हैं, तो 36 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, तो ये 36 के गुणनखंड हो गए। अब हमने निकालने हैं सारव गुणनखंड। सारव गुणनखंड का मतलब वो गुणनखंड जो 12x के गुणनखंड में भी हो और 36 के गुणनखंड में भी हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 और ये 2, इन दोनों में है, तो ये इन दोनों के लिए हमने एक ये 2 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, सांझा है। फिर उसके बाद ये 2 देखो, ये भी दोनों में है सांझा, तो इसके लिए भी हमने एक ये 2 लिख दिया। फिर हमने ये देखा 3 दोनों में सांझा है, तो 3 भी हमने लिख दिया, और बाकी और कोई भी इनमें सांझा गुणनखंड नहीं है, सारव गुणनखंड नहीं है, तो हमने इनको गुणा करके लिख दिया 2 × 4 = 12, तो 12 इसका सारव गुणनखंड आ गया। ऐसे ही हमने 2y और 22xy के गुणनखंड करने हैं। ये पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, तो 2y को हम लिख सकते हैं 2 × y और 22xy को लिख सकते हैं, 22 होता है 11 × 22, तो 2 × 11 × x × y। अब देखो इन दोनों में सारव गुणनखंड क्या आ जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जो, तो ये 2 दोनों में है, तो इसके लिए एक 2 लिख दिया सारव गुणनखंड गुणा। अब इसमें देखो इसमें y है अकेला, तो इसमें भी y है, तो एक इसमें ये आ गया, तो ये y लिख दिया, तो 2 × y 2y आपका आंसर आ गया। फिर ऐसे ही हमने इन दोनों में सारव गुणनखंड देखने हैं। तीसरा भाग है 14PQ और 28P2Q2 या P² Q² भी इसको कहते हैं। तो इसमें देखो 14PQ के गुणनखंड बनाएंगे, 14 को लिख सकते हैं 7 × 2 × P × Q, 7 × 14 और P × Q ये लिख दिया। फिर 28 को लिखेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 14 होते हैं और × 2 = 28 हो जाएगा, यानी 7 × 14 = 28, 28 को लिख दिया 7 × 2 × 2। P² को हम लिख सकते हैं P × P, यानी P 2 बार गुणा होता है जब वो P की शक्ति 2 बन जाता है, और Q × Q² है, तो हमने इनको लिख दिया ऐसे गुणनखंड में बना के। फिर सारा गुणनखंड देखने हैं, तो ये 7 इसके लिए ये 7 लिख दिया, ये दोनों में 2 है तो ये 2 लिख दिया, अब दोनों में P भी है तो ये P लिख दिया, दोनों में Q है तो ये Q लिख दिया, तो जो इन दोनों के लिए एक एक लिखना है, तो ये 7 × 2 × P × Q, तो 7 × 14 PQ, तो ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही इनके सारे गुणनखंड लिखने हैं, तो ये बनाए हुए हैं इनके, तो इनके गुणनखंड बना दिए 10x³ / 3y² के ये गुणनखंड हो गए हैं। अब इसके बना देते हैं, तो ये 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और x² को हम x × x, y² को
वाई गुणा वाई और गुणा जेड। तो ये आगे अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें देखो यहाँ तीन है, इसमें तीन नहीं है, इसमें है, लेकिन तीनों में होना चाहिए हमने ऐसा देखना है। तो ये देखो तीनों में एक्स है और तीनों में एक एक्स और है, तो इसके नाम का एक एक्स यहाँ लिख देते हैं, इसके नाम का एक एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, और तीनों में वाई भी है, ये देखो ये वाई तीनों में है, तो ये तीनों में वाई ये लिख दिया, और एक वाई और आ जाएगा तीनों में, तो गुणा वाई, तो इनका सारा गुणनखंड आ जाएगा एक्स गुणा एक्स होता है एक्स की दो, और वाई गुणा वाई वाई की दो, तो ये आ जाएगा एक्स की दो वाई की दो। फिर हमने दूसरे प्रश्न में लिखना है, बाकी के ये जो है आपने खुद करने हैं। तो दूसरा प्रश्न है व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमने व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं, हमारे पास बीजीय व्यंजक दिया हुआ है जो पहला, ये दूसरे भाग का, ये दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है, सात ए की दो जमा चौदह ए। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे, इसके बनाएंगे, फिर दोनों में कॉमन देख लेंगे। तो अब ये सात ए की दो को हम लिख सकते हैं सात, गुना ए की दो को हम लिख सकते हैं ए गुना ए, फिर जमा, फिर चौदह को लिखेंगे सात गुना दो चौदह, और ए इसके साथ। अब इन दोनों में देखेंगे हम जो कॉमन है, जैसे ये सात है ये सात दोनों में है, तो ये सात हमने लिख दिया, फिर दोनों में ए भी है और ये ए है, तो ये ए लिख दिया, बाकी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ ए बच गया यहाँ दो बच गया, तो ये ब्रैकेट शुरू करके ये सात ए दोनों के लिए बाहर लिख दिया क्योंकि दोनों में कॉमन है, और बाकी जो बचा है ब्रैकेट के अंदर यहाँ ए बचा है तो ए लिख दिया, और ये जो भी निशान यहाँ पे होगा वो हम लिख देंगे जमा का है, और जमा के यहाँ दो बच गए तो ये लिख दिए, तो सात ए ब्रैकेट में ए जमा बी ए इसके गुणनखंड आ गए। ऐसे ही हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, तो बीस एल की दो एम को क्या लिखेंगे, इसके बीस को हम लिख सकते हैं दो गुणा दो गुणा दो दूनी चार पंजे बीस गुणा एल गुणा एम, तो इसके गुणनखंड लिख दिए। फिर जमा तीस को लिख सकते हैं हम दो गुणा दो दो गुणा तीन दो तीन छः पंजे तीस गुणा ए गुणा एल गुणा एम। अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो ये एक दो ये है और ये है, इन दोनों के नाम का हमने एक दो लिख दिया, फिर है पांच और ये पांच, इसके नाम का गुणा पांच लिख दिया, अब ये एल है और एक एल है गुणा एल लिख दिया, और एक एम है गुणा एम लिख दिया। अब ब्रैकेट शुरू, अब इसमें जो बच गया है तो इसमें बचा है दो एल, तो दो एल लिख दिया, और ये जमा का चिन्ह है, और इधर तीन ए बचा है जमा तीन ए, तो हमारे पास ये आ जाएगा दो पंजे दस एल एम और दो एल जमा तीन ए, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। फिर उसके बाद है ऐसे ही हम ये कर लेंगे चौदह ए स्क्वायर माइनस चौदह ए स्क्वायर जमा चौदह ए बी माइनस चार सी ए। अब ये तीन आ गए हैं, अब तीनों में कॉमन देखना है हमने, तो तीनों में पहले गुणनखंड कर लेंगे इनके, माइनस चार ए स्क्वायर को माइनस दो गुणा दो गुणा ए, फिर चौदह ए बी को हमने सात गुणा दो ए गुणा बी, ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। अब इन तीनों में देखेंगे कॉमन क्या आएगा, तो तीनों में कॉमन आया जैसे एक दो यहाँ भी है दो यहाँ भी दो, तो ये दो लिख दिया, ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो ए लिख दिया, बाकी इन तीनों में और कोई कॉमन चीज नहीं है, तो बाकी ब्रैकेट में लिख देंगे जो बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का बचा है तो माइनस लिख दिया, अब एक दो तो यहाँ आ गया था और ए भी आ गया था, तो ये दो ए बचा है तो दो ए लिख दिया,
और यहाँ सात बी बचा था और यहाँ पे माइनस दो सी बचा, तो ये ब्रैकेट में बंद ही आपका आंसर आ गया। ऐसे इसके गुणनखंड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है अगला प्रश्न, इसके भी गुणनखंड ऐसे ही कर लेंगे, पहले टुकड़े लिखेंगे फिर इसके गुणनखंड करेंगे, ये आपके लिए समझ। फिर तीसरा सवाल है इसमें, तीसरे में गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए देखो इसमें चार चार दिए हुए हैं, अब चार में क्या करेंगे हम, दो दो के पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे और फिर उनके देखेंगे। तो इन दोनों में फैक्टर बनाया हमने एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स, एक्स वाई को एक्स गुना वाई, जमा आठ एक्स को आठ गुना एक्स, आठ वाई को आठ गुना वाई। तो अब इन दोनों में देखेंगे को क्या कॉमन है, तो इसमें एक्स है इसमें भी एक्स है, तो ये एक्स लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में से क्या बचा, एक्स जमा वाई, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स जमा वाई। फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, जमा ये लिख दिया, इन दोनों में आठ कॉमन है तो आठ लिख दिया, यहाँ एक्स बचा जमा वाई, तो ये अंदर लिख दिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये देखो दोनों में है आठ एक्स जमा वाई, तो हम इसको लिख देते हैं पहले एक्स जमा वाई जो कॉमन है दोनों में, जो बाकी बचा है एक्स जमा आठ, तो एक्स जमा आठ इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद ये देखो पंद्रह पी क्यू, पंद्रह है फिर नाइन क्यू है पच्चीस पी है, तो पंद्रह पी क्यू को हमने लिख दिया तीन गुना पांच पी क्यू, पंद्रह को तीन गुना पांच, नाइन को तीन गुना तीन क्यू, पच्चीस को पांच गुना पांच पी। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया ये और ये इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा जी, और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो पहले ये लिख दिया हमने तीन गुना पांच पी क्यू, फिर ये लिख दिया तीन गुना क्यू, और फिर ये हमने ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, तीन आ गया और क्यू आ गया, तो हम तीन क्यू बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पांच पी बच गया, जमा यहाँ पे बच गया तीन क्यू तो इधर आ गया तो तीन बच गया, फिर जमा अब इन दोनों में से पांच कॉमन आएगा, यहाँ बच गया पांच पी जमा तीन। अब देखो ये पांच पी जमा तीन इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा पांच पी जमा तीन पहले लिख लिया, और जो बचा है तीन के ऊ जमा पांच, तीन के ऊ जमा पांच, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, तो जेड माइनस सात, और इसको हमने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। फिर उसके बाद अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता उसमें एक कॉमन होता है, तो इन दोनों में एक कॉमन लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया सात माइनस जेड माइनस सात। फिर हमने इन दोनों में देखा कॉमन, इनके टुकड़े कर लिए हमने फैक्टर, अब इन दोनों में कॉमन देखा एक्स वाई, एक्स वाई दोनों में है तो एक्स वाई कॉमन ले ले, माइनस के एक्स वाई कॉमन ले लिया हम दोनों में से, तो जब हम माइनस भी कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का है तो ये अंदर जमा का हो जाएगा, और ये जमा का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस भी कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई यहाँ से बाहर आ गया माइनस का, तो ये जमा का जेड बच गया, फिर जमा का था ये माइनस बाहर कॉमन लिया इसलिए ये माइनस आ गया, और यहाँ एक्स वाई आगे चला गया तो ये सात बच गया। तो अब हम देखेंगे ये और ये दोनों कॉमन है इसमें सेम है, तो हम बाहर ले लेते हैं जेड माइनस सात, और यहाँ वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, तो ये आपका आंसर बचा है। तो ये आपने एक्सरसाइज की 14.1 आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।